हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। जब मैं नायका पे शॉपिंग कर रही थी तो मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स दिखाई दिए और इनके मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट वगैरह चेक की, प्रोडक्ट्स वगैरह चेक किए, तो ये काफ़ी यूनिक और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ड्राई स्किन के लिए यूजुअली बहुत कम चीज़ें होती हैं जो ऐसे फॉर्मुलेशंस में आती हैं। सो मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं इन दोनों ही प्रोडक्ट को टेस्ट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने ये खुद के ही पैसों से लिया है क्योंकि ड्राई स्किन के लिए हमेशा मैं कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हूँ, और स्पेशली अगर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के लिए कुछ भी ऐसा आता है ना तो मैं तुरंत खरीद लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई स्किन है। सो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। सो ये प्रोडक्ट भी ड्राई स्किन वालों के लिए ही है। सो इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, एक हाइड्रेटिंग फेशियल मॉइस्चराइजर है विथ SPF 30 और एक हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है विथ SPF 50। तो दोनों ही प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट लिस्ट हैं बहुत अच्छे थे, बट इन दोनों में से जो एक प्रोडक्ट है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, या कह सकते हैं कि मेरे स्किन पे इसने वर्क नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई है। सो वन बाय वन करके इसका रिव्यू मैं देती हूँ। तो सबसे पहले मैं रिव्यू करती हूँ जो प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया उसका। तो ये है अनड्राई क्लिनिक का हाइड्रेटिंग फेशियल मॉइस्चराइजर। इसको मैंने इतना यूज़ भी कर लिया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये बेसिकली एक तरह की सनस्क्रीन की ही कैटेगरी में आ जाती है क्योंकि SPF 30 इसमें प्रेजेंट है। सेकेंडली, ये केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर है क्योंकि इसमें जो फिल्टर्स प्रेजेंट हैं वो केमिकल फिल्टर्स हैं, तो सेंसिटिव स्किन वालों को थोड़ा इश्यू हो सकता है। बाकी ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपको आदत है सुबह सुबह ज़्यादा कुछ ना लगाने की तो ये प्रोडक्ट सूटेबल है। एज अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन अगर आप इसको देखते हो तो ये क्वाइट इफेक्टिव है। अगर इसकी फिनिश की बात करें तो इसका जो फील है वो बहुत ही अच्छा है। जब आप फेस पे लगाते हो तो एकदम बटर लाइक मेल्ट हो जाता है, स्किन में बिल्कुल भी पील नहीं करता है, स्किन इससे बर्न नहीं होती है, आंखों में कोई इरिटेशन नहीं हुई। इसको लगाने के बाद फेस बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगा, हाइड्रेटेड फील हुआ। और इसकी जो फिनिश है वो ड्यूई फिनिश है। ऑयली स्किन वाले भी विंटर्स में इसको ट्राई कर सकते हैं, बट समर्स में ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए है। सो अगर आप एक गुड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो विथ सेरामाइड्स तो देन गो फॉर इट। इट्स जस्ट अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर विथ SPF, नथिंग एल्स। तो सेकेंड प्रोडक्ट है अनड्राई क्लिनिक का SPF 50। सो इस सनस्क्रीन की वजह से ही मैंने ये वाली सनस्क्रीन ली थी, क्योंकि इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट थी ना वो काफ़ी क्लीन और बहुत ही अच्छी थी। जब भी किसी प्रोडक्ट की जो ऐसी इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना काफ़ी क्लीन और इतना यूनिक फॉर्मुलेशन रहता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। सो ये सनस्क्रीन जो है ये 50+ सनस्क्रीन है। इसके जो केमिकल फिल्टर्स हैं वो प्योरली फिजिकल हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि जो फिजिकल फिल्टर्स होते हैं फिजिकल सनस्क्रीन में, सो वो क्या है ना, ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन को बहुत कम इरिटेट करते हैं और ये प्रेगनेंसी सेफ भी होते हैं। सो यू कैन यूज़ इट एनी स्किन और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया मेरे स्किन में, क्योंकि मेरी स्किन ना एक्सट्रीमली ड्राई है और एक्सट्रीमली ड्राई स्किन में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो पील कर जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं होते हैं। सो इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट थी तो उसमें तो फिजिकल फिल्टर्स थे, फिर इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड और 0.5% सेरामाइड अवेलेबल हैं, जो कि कुछ खास वर्क नहीं करेंगे। इतने कम अमाउंट में जो परसेंटेज में इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं उनका कुछ भी वर्क नहीं होता है, जस्ट वो मार्केटिंग पर्पस के लिए ऐड किए जाते हैं। ओवरऑल मैं अगर इस सनस्क्रीन को देखूं तो अगर आप एक फिजिकल सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो और आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है देन गो फॉर इट। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी क्लीन है, बहुत ही अच्छा है। अब इस प्रोडक्ट की जो फील है, अगर फील अच्छी नहीं है तो इंग्रेडिएंट लिस्ट कितनी भी अच्छी हो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, मैं तो यूज़ नहीं करती, और बहुत से ऐसे लोग हैं अगर फील अच्छी नहीं आती तो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। तो जब मैंने इस प्रोडक्ट को लगाया तो दोनों ही प्रोडक्ट की जो फील है ना बहुत ही अच्छी थी, ये बटर लाइक मेल्ट हो जाता है। और फिजिकल सनस्क्रीन में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट होता है और ब्लेंड करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके साथ कोई भी दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया, ड्यूई फिनिश थी, कोई भी आंखों में इरिटेशन नहीं हुआ, कोई भी इश्यू नहीं हुआ, इचिंग नहीं हुई, आंखों को सेंसिटिविटी नहीं हुई इससे, बट मेरी स्किन पे ये बहुत ज़्यादा पील किया। अगर इसको मैंने लगाया है
अकेले तो भी पील किया, मैंने इसको मॉइस्चराइजर के साथ यूज़ किया, उसके बाद भी ये मेरे स्किन पे पील हो गया पूरा। एक दो मिनट के बाद ये ड्राई हो जाता है कम्प्लीटली और स्टिकी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है दोनों ही सनस्क्रीन्स में। पर ये वाला जो SPF 50 है, मैं फिर से दिखा देती हूँ, अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो ये आपके स्किन पे पील हो सकती है, बाकी अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है देन बोथ आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स। अगर आप घर पे रहते हो या ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं है तो आप SPF 30 मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है और अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर है बाहर, तो आप ये यूज़ कर सकते हो अनड्राई SPF 50। प्रेगनेंसी सेफ भी है ये वाली सनस्क्रीन। सो ओवरऑल ये था मेरा पर्सनल रिव्यू। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट शेयर करना है और आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट्स करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। बाय।